बाबा आपसे कुछ कहना था वो हैप्पी फादर्स डे। हाँ थैंक यू थैंक एंड ऑल्सो इट्स प्राइड मंथ सो आई एम गे। प्राइड मंथ एम्प्लॉय ऑफ द मंथ मिला है क्या जो इतने हैप्पी और गे हो? है अरे नहीं पापा वो वाला गे नहीं, मतलब मेरा सेक्सुअल ओरिएंटेशन आई एम गे। हाँ तो जाओ करो तैयारी अगले प्रेजेंटेशन की, यहीं पे थोड़ी रुकती है गाड़ी। ये क्या सेक्सुअल ओरिएंटेशन, मतलब मुझे लड़के पसंद हैं। लड़के पसंद है बोरे आ गए हो क्या? है 4 दिन से सोई नहीं हो क्या? है देखो आपके नीचे कितने काले गड्ढे भी हो गए, दिमाग में भी तुम्हारा ब्लैक होल हो गया है। तुमने हमारा जीन है, हमारा डीएनए है, क्या फालतू की बकवास कर रहे हो? खाओ चलो अच्छे से खाना खाओ, है कमजोर हो रहा है दिमाग से भी शरीर से भी। पता नहीं कौन सी संगत में सस्ता नशा करके आया है, फालतू की बकवास कर रहा है। आप तो खजुराहो के थे ना तो मुझे लगा आप तो एटलीस्ट समझोगे। हाँ तो खजुराहो से है तो क्या जरूरी है कि सबको वही खुजली हो? 14 साल की उम्र में भाग गए थे हम खजुराहो से, समझे ना? ऐसी थोड़ी 2 जोड़ी पैंट में अपना आधा जीवन बिताए, फटफटी साइकिल में घूमे ताकि पेट्रोल का पैसा बचे, और तुम लोग को पालने के लिए दूसरों की शादी में भी जब हम जाते थे तो व्यवहार के उन लोग खाली देते थे ताकि वो पैसे से तुम लोगों की ख्वाहिशें पूरी कर सके। तभी मैं पिछले 1 साल से सोचूं कि इसके गद्दे के नीचे लड़कों वाली मैगजीन क्यों पड़ी। मेरे को लगा तुमको जिम में ज्वाइन करना होगा, डोले सोले बनाने होंगे, और 1 साल से तो तुम्हारे डोले कुछ नहीं बोले हैं। डांडिया सेटिंग मंडल में भी पिछले 2 साल से लड़कियों के साथ डांडिया करने का शौक नहीं है, लड़कों के साथ ऐसे करके बंदर ऐसा छटके डांडिया करता था। ये डिसाइड तो मैं कर चुका हूँ और कोर्ट भी इस चीज को लीगलाइज कर चुकी है तो मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। कोर्ट कचहरी धमकी दे रहे हो? तुमको पता है हमको बिल्कुल पसंद नहीं, हमको डर लगता है ऐसी कोर्ट कचहरी के नाम से। मर्यादा वाला मान सम्मान वाला घर है ये। अब तुमने इतना सोच ही लिया और हम नहीं चाहते इतनी दूर तक बात जाए तो तुम जाओ, तुमको जो करना है आप कर निकल यहाँ से। अच्छा सुना एक बात कहे देते हैं, अपना मन का लेके आ रहे हो ना तो बहू जो है ना बिल्कुल जॉन इब्राहिम जैसी होनी चाहिए, दिखने दिखाने में पढ़ी लिखी होनी होना जो भी है बिल्कुल जॉन इब्राहिम जैसी, पहले ही बोल दे रहे। oh, no. इसमें कोई बहू दामाद नहीं होता है तो हमको नहीं पता बहू है या दामाद है, समझे? लड़के वाला तो हम ही रहेंगे, हम पहले ही बोल दे रहे हैं। तुमको जरा खींच कर वैसे तुमने हमारा दिमाग खराब कर दिया। Hey crazies, I hope you guys enjoyed the video. पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, and a very happy Father's Day to all the lovely fathers out there. Since it's Pride Month, तो मैंने सोचा क्यों ना दोनों टॉपिक को मिक्स करके वीडियो बनाया जाए। And I said earlier, love is love, and it should not be defined on the basis of color, caste, creed, or your sex. And it's high time our society and Indian parents especially understand this. So I'll see you guys next time. Till then, love and light to all. Bye.